हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नाश्ते में रोज़ रोज़ क्या बनाएं ये हर एक घर की टेंशन होती है। तो चलिए आज बनाते हैं कम ऑयल में वो भी हेल्दी नाश्ता। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें हम थोड़ा सा सरसों ऐड करेंगे। सरसों को अच्छे से तड़कने देंगे ताकि सरसों अच्छे से पॉप हो सके, जिससे कि उसका टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा हम इसमें तेल देंगे, ये ऑप्शनल है लेकिन इसमें अच्छा लगता है। तो और इसे थोड़ा सा हमें फ्राई कर लेना है जब तक ये अच्छे से मतलब पॉप ना हो जाए। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो मैं यहाँ पे 2 कप के करीब पानी ऐड करूँगी। तो हे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता, जो कि बहुत इजी है बनाने में और विदाउट ऑयल आप इसे बहुत ही इंजॉय आप इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कप पानी दूँगी। पानी को अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो हम इसमें सूजी ऐड करेंगे तो अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करूँगी। और साथ ही में इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नमक ऐड नहीं किया था। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे, जिससे कि इसका एक मतलब थोड़ा सा तीखा और अच्छा सॉल्टी वाला टेस्ट आए। पानी में एक उबाल आने तक का वेट करेंगे। पानी में जब जैसे एक उबाल आ जाए अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। तो स्टेज में मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी। धनिया ऐड करने से सूजी का लुक बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। अब इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया था, तो उसी कप से मैंने फुल 1 कप के करीब सूजी ऐड करूँगी। तो अपना मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या फिर कटोरा सेट कर ले। अब मीडियम फ्लेम में ना सूजी को और पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे, ये बहुत ईजीली हो जाता है। तो लगातार इसे चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट बाद देखेंगे कि सूजी अच्छे से ठीक हो जाएगी और सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। इस समय मैंने यहाँ पे फ्लेम को लो रखा है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे सूजी बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी बीच ना हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ना ये नाश्ता मतलब लाना हो ना, आप सूजी को पहले से भी इस तरह से बना के रख सकते हैं और जब बनाने का समय हो इसे अच्छे से गूंथ कर इसे तैयार कर लें। तो इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी बीच ना हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल। अब इसमें थोड़ा सा हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा जब अच्छे से तड़क जाए थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें थोड़ा सा ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेट करके अदरक। तो हमें अदरक को ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसी के बाद ना हम इसमें थोड़े से वेजिस ऐड करेंगे। तो वेजिस आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बीन्स, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च और धनिया ऐड किया है। ये धनिया को मैंने बाद में ऐड करूँगी। सभी चीज़ों को थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लूँगी। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा बस इसका मतलब थोड़ा सा इसका क्रंच रहेगा। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे मैश किया हुआ आलू ऐड करूँगी। तो आलू को मैंने इसमें अच्छे से मैश करके इसे मिक्स करूँगी ताकि जो थोड़े से खड़े वाले आलू अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आलू को सभी मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखेंगे कि आलू बहुत ही ड्राई हो जाएगा। और इसे भी अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आलू का मसाला बनकर तैयार है। ऊपर से थोड़े से बारीक हरा धनिया ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आलू का मसाला भी तैयार है। इसी बीच ना सूजी भी यहाँ पे ठंडा हो चुका था। अब ना हाथों में थोड़ा सा पानी लगाते हुए हमें इसे अच्छे से मसलना होगा। तो आप देख सकते हैं सूजी बहुत ही ड्राई हो चुकी है। हमें इस समय ना इसे अच्छे से मसलेंगे ताकि इसका एक सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो सके। अगर आपको गर्म लग रहा होगा या फिर मतलब नहीं बन रहा होगा, आप थोड़ा सा हाथों में तेल या फिर पानी लगाकर इसे अच्छे से मसलें तो ये बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा। तो ना अभी ना मैं इसकी फिलिंग तैयार करूँगी। तो मैं यहाँ पे ना थोड़े से फिलिंग बनाकर तैयार कर चुकी थी। तो इस तरह से हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें और जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, उसी तरह से इसका मतलब एक होल सा बना लेंगे। उसमें हमें ये जो आलू का मसाला है ना उसमें हमें डालना है। और ना इस तरह से हमें सारे सूजी के जो हमने डो बनाए थे ना उसे तैयार कर लेंगे।
सारे बॉल्स जब तैयार हो जाए अब हमें इसमें स्टीम देना है। तो स्टीम देने से पहले मैं यहाँ पे इडली स्टीमर का यूज़ कर रही हूँ, उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और इस तरह से मैंने यहाँ पे ढक दिया है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए या फिर इतना भी नहीं, 15 मिनट ही काफ़ी है, इसे स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसे अच्छे से स्टीम कर लिया है। चलिए अब इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ना पैन में यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, मैं यहाँ पे थोड़े से ही ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और थोड़े से ऑयल में ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो आप ना ट्राई करें कि मतलब थोड़े से ऑयल में इसे फ्राई करने के लिए, अगर आपको इस तरह से पसंद है तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं और या फिर इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर सरसों ऐड करूँगी और थोड़ा सा यहाँ पर जो सफ़ेद वाले तेल होते हैं ना उसे ऐड करूँगी। तो सरसों को ना थोड़े से अच्छे से पॉप होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसमें वाइट वाले तेल ऐड करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तुरंत ही ना हमने जो सूजी के बॉल्स को स्टीम किया था उसे हमें दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। तो हमें ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना वरना जो मिर्ची वगैरह है ना वो जल जाएंगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तुरंत ही ना अब मैं इसमें जो सूजी के बॉल्स बनाए थे ना उसे हम डाल देंगे। और ना ज़्यादा अगर आप ऑयल पसंद ना करते हो तो आप इसे इसी तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं, इस तरह भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब एक तरफ से थोड़ा सा ये क्रिस्प हो जाए दूसरे तरफ भी पलट देंगे और इसी तरह से दूसरे तरफ भी हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से ये रेसिपी ना हेल्दी भी है और अगर आपके पास सारा सामान हो तो आप इसे झटपट से बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने यहाँ पर अच्छा क्रिस्प कर लिया है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं, आप इसे सॉस या फिर ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।